सब्सक्राइब करें अन्नपूर्णा रसोई चैनल को और बेल बटन को दबाएं हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, अन्नपूर्णा रसोई चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ मूंगफली की चक्की। बहुत ही टेस्टी बनती है फ्रेंड्स। हम गुड़ और मूंगफली से इसे बनाएंगे और इसे हम घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही ये स्वादिष्ट बनती है। इसे हम स्टोर कर भी रख सकते हैं 2 महीने तक, और जब आपका मन चाहे मीठा खाने का तो आप इसे खा सकते हैं। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई के अंदर हम 1/4 चम्मच देसी घी डाल देंगे। आप इसकी जगह तेल भी यूज कर सकते हैं। और अब हम इसके अंदर मूंगफली डालेंगे, क्योंकि हम मूंगफली की चक्की बना रहे हैं 1 कप, और ये 2 कप। गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे। लो फ्लेम पे हम चलाते हुए मूंगफली को भून लेंगे। मूंगफली भूनने में हमें 4 से 5 मिनट लगेंगे, क्योंकि मूंगफली को हमें अच्छे से भूनना है और लो फ्लेम पे ही भूनना है। इसका कलर चेंज होने तक हमें मूंगफली को भूनना है। देखिए फ्रेंड्स, इसका कलर चेंज हो गया है। मुझे 5 से 6 मिनट लगे हैं मूंगफली भूनने में, क्योंकि मैंने मूंगफली को लो फ्लेम पे भूनना है। अब हम गैस बंद कर देंगे, इसे एक थाली में निकाल लेंगे। देखिए मैंने निकाल ली है। अब इसे ठंडे होने पे हम इसका छिलका उतार लेंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने छिलका उतार लिया है। मूंगफली 2 पीस में डिवाइड हो गई है और हाथों से मसल के मैंने इसका छिलका उतार लिया है। और आप इसे इस तरह से कूट के इसको 2 भाग में कर सकते हैं। बेलन की सहायता से भी आप कर सकते हैं, और या फिर हाथ से इस तरह से अच्छे से मसलते हुए भी आप इसको 2 भाग में कर सकते हैं। देखिए ये 2 भाग में हो गई है। अब हम चक्की बनाना शुरू करते हैं। गैस ऑन करेंगे, कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई के अंदर हम गुड़ डालेंगे। जिस कप से हमने मूंगफली ली है उसी कप से हम 2 कप ही गुड़ लेंगे। हमने 2 कप मूंगफली ली है और 2 कप ही गुड़ लेंगे हम। गुड़ को हम मेल्ट ऑन कर लेंगे लो फ्लेम पे। इसे भी हमें लो फ्लेम पे ही पकाना है फ्रेंड्स। हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ये जल जाएगा, इसलिए हमें इसे लो फ्लेम पे ही पकाना है। थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि गुड़ हमारा जले नहीं, 1 टेबलस्पून के करीब, और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए धीमी आँच पर मेल्ट कर लेंगे, अच्छे से पिघला लेंगे। और गुड़ को हमें चलाते रहना है फ्रेंड्स, छोड़ना नहीं है, नहीं तो गुड़ हमारा जल जाएगा। इसलिए इसी तरह चलाते हुए ही हमें गुड़ को पिघलाना है। देखिए थोड़ा सा गुड़ पिघल गया है, अभी अच्छे से पिघला नहीं है। इसे धीमी आंच पे ही हमें पिघलाना है। 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, हमारी मूंगफली की चक्की पे अच्छी सी शाइन आएगी, वो दिखने में काफ़ी अच्छी लगेगी और खाने में सॉफ्ट बनेगी। इसलिए हमने 1 चम्मच देसी घी यूज़ किया है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पे ही हमें गुड़ को पकाना है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, जल्दबाजी ना करें, नहीं तो आपकी जो चक्की है वो ख़राब हो जाएगी। आप देख सकते हैं मेल्ट हो गया है अच्छे से गुड़ पका है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगा ये भी हम आपको बताएंगे कि अच्छे से चक्की के लिए गुड़ किस तरह से तैयार होगा। इसे हमें पकाते पकाते 2 मिनट हो गया। 1 कांच की बाउल में हम पानी लेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा पिघला हुआ गुड़ डाल देंगे और इसे फिर उठा के देखेंगे। आप देख सकते हैं गुड़ अभी काफ़ी सॉफ्ट है, ये तैयार बिल्कुल भी नहीं हुआ है अभी। अभी हमें इसे और पकाना पड़ेगा। हम इसे और पकाएंगे लो फ्लेम पे, चलाते हुए इसी तरह पका लेंगे। ये मूंगफली की चक्की फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी बनती है। आप इसे घर में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बस थोड़ी सी बातों का ध्यान रखें। 1/4 चम्मच हम इलायची पाउडर डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद हो तो डालें, नहीं ना डालें। फ्रेंड्स ये छोटे छोटे से टिप्स आप फॉलो करेंगे तो आपकी भी मूंगफली की जो चक्की है बहुत ही अच्छी और स्वादिष्ट बनेगी। बस आप वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को पूरा देखें।
देखिए हमें चलाते चुलाते 3 से 4 मिनट हो गए हैं, पर गुड़ हमारा अभी अच्छे से तैयार नहीं हुआ है। कभी कभी गुड़ जो है वो जल्दी चक्की जमने के लिए तैयार हो जाता है और कभी कभी थोड़ा टाइम लेता है। ये गुड़ की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं गुड़ ने झाग सा छोड़ दिया है, ये हल्का फुल्का सा गुड़ हमारा चक्की जमने के लिए तैयार हुआ है। पर एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं ये अच्छे से तैयार हुआ है या नहीं। फ्रेंड्स ये अभी भी सॉफ्ट है, अभी हम इसे और पकाएंगे कलर चेंज होने तक। देखिए फ्रेंड्स गुड़ का कलर चेंज हो गया है, वापस से चेक कर लेंगे। हमारा गुड़ तैयार हुआ है या नहीं वापस से चेक करेंगे चक्की जमने के लिए। देखिए ये अब तैयार है, ये अच्छे से टूट रहा है, आप देख सकते हैं गुड़ ऐसा ही होना चाहिए। अब हमारा गुड़ जो है वो चक्की जमने के लिए तैयार है, हम इसे ओवर कुक नहीं करेंगे। और अब हम इसके अंदर मूंगफली डाल देंगे जो हमने भुनी थी। देखिए अच्छे से मूंगफली को गुड़ के अंदर मिक्स करना है। गैस को हम बंद कर देंगे और मूंगफली को गुड़ के अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए ये मिक्स हो गई है अच्छे से, आप देख सकते हैं ये अच्छे से मिक्स हो गई है। फ्रेंड्स मैंने एक बटर पेपर लिया है, उस पर घी लगा लिया है। अब हम गुड़ और मूंगफली का मिश्रण जो है वो इस पर डाल लेंगे और हमें इसे गरम गरम ही फैलाना है, नहीं तो ये जम जाएगा, फिर चक्की जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। आप किसी चकले पे भी घी लगा के इसे फैला सकते हैं, पोलोथीन की थैली भी ले सकते हैं, उसको अच्छे से ग्रीस करके उस पर भी ये मूंगफली और गुड़ का मिश्रण जो है फैला सकते हैं। मैंने बटर पेपर यूज़ किया है और एक घी की चम्मच है, मैंने घी लगा लिया है इस चम्मच पे। आप इस तरह से भी इसे अच्छे से पतला पतला फैला सकते हैं, जितनी मोटी आपको चक्की रखनी हो उसी हिसाब से। मैंने बटर पेपर यूज़ किया है, ऐसे फोल्ड करते हुए हम इसे बेल लेंगे पतला पतला सा। जितनी मोटी पतली आप चक्की रखना चाहते हैं उसी हिसाब से आप इसे बेल सकते हैं। देखिए इस तरह से आप बेल सकते हैं और इसे आप चम्मच से भी पतला पतला फैला सकते हैं। देखिए मैंने बेल लिया है इसे अच्छे से, आप देख सकते हैं मैंने बेल लिया है। अब हम इस पेपर को ऊपर कर देंगे, देखिए इस तरह से हटा देंगे। अब हम इसे गरम गरम में ही थोड़ा कट कर लेंगे ताकि ये अच्छे से छूट जाए। फिर देखिए इस तरह से कट लगा लेंगे हम, आप किसी भी शेप में काट सकते हैं, छोटे बड़े पीसेस आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसका एक्स्ट्रा इस तरह से हटा देंगे, देखिए इस तरह से कर देंगे हम और इन पे निशान लगा लेंगे ताकि जब हम चक्की को खोलें तो ये आराम से हमारी खुल जाए, टुकड़े नहीं हों इसके, बांके टेढ़े टुकड़े नहीं हों, इसलिए चौकुर पीसेस ही में ही निकले ये चक्की हमारी। देखिए इस तरह से अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। देखिए फ्रेंड ये हल्की ठंडी हुई है, एकदम ठंडी नहीं हुई है, फिर भी ये सेट हो गई है। देखिए हम इसे अब निकाल लेंगे क्योंकि ये काफ़ी अच्छी बनी है, आप देख सकते हैं ये एकदम बाजार जैसी बनके तैयार हुई है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी है फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई करें। देखिए ये बहुत ही आराम से निकल रही है और खाने में ये बहुत ही सॉफ्ट भी है, आप इसे बनाएं खाएं और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपकी ये चक्की कैसी बनी है। फ्रेंड्स इसे बनाना बहुत ही आसान है, आप ज़रूर ट्राई करें। अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए ये सर्विंग प्लेट में मैंने निकाल लिया है और दिखने में ये काफ़ी सुंदर लग रही है और खाने में ये बहुत ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट है। फ्रेंड्स अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके भी ज़रूर बताएँ कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।